अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है? आज हम नया एक सिलेबस शुरू करेंगे। इसमें टॉपिक है नंबर सिस्टम। जी, नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है? हम सब लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर जो है बेसिकली कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, या हम आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो कंप्यूटर इज़ अ बाइनरी मशीन। कंप्यूटर क्या है? बेसिकली एक बाइनरी मशीन है। तो बाइनरी का बेसिकली मतलब क्या होता है? बाइनरी स्टैंड फॉर बाइनरी टू को कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में हमेशा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो और वन को जब आप देखें, वन और टू, ये बेसिकली टू हो गया। तो हमारे पास कंप्यूटर में जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। तो बाइनरी में क्या होगा? जीरो और वन, यानी कि जीरो और वन को जब क्लिक करेंगे तो ये टू बन जाएगा। इसी तरह जीरो स्टैंड फॉर ऑन ऑफ होगा और वन स्टैंड फॉर ऑन होगा। अब बात यह है कि हमने नंबर्स को जनरेट करना है, हमने नंबर सिस्टम के थ्रू अपने नंबर्स जनरेट करने हैं। हमारे पास नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? हमारे पास होता है बाइनरी, बाइनरी टू होता है। हमारे पास होता है ऑक्टल, ऑक्टल एट होता है। हमारे पास होता है डेसिमल, डेसिमल टेन होता है। हमारे पास होता है हेक्सा डेसिमल हमारे पास 16 होता है। अच्छा, अब बाइनरी में अगर बात करेंगे ना टू से, तो टू जीरो और वन होगा। काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो और वन टू होगा। इस तरह एट की अगर बात करें, जीरो से लेके सेवन तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखिए क्लिक करें ना अगर आप, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो सेवन तक। इसी तरह डेसिमल जीरो से लेके नाइन तक, और हेक्सा डेसिमल में हमारे पास क्या है? जीरो से लेके 15 तक होता है। बात यह है कि 15 तक हम चल सकते हैं। अब हमारा कंप्यूटर जो है बेसिकली एक बाइनरी मशीन है, और बाइनरी मशीन जो अंडरस्टैंड कर सकती है वो जीरो से नाइन तक कर सकती है। वो कहाँ तक अंडरस्टैंड करेगी? जीरो से नाइन तक, जबकि हमारे पास टेन इलेवन ट्वेल्व आ रहा है। तो हम टेन को लेते हैं ए, इलेवन को लेते हैं हम बी, ट्वेल्व को लेते हैं सी, थर्टीन को लेते हैं डी, फोर्टीन को लेते हैं ई, फिफ्टीन को लेते हैं एफ। इसी तरह आप कंटिन्यूसली पूरे अल्फाबेट्स को ले सकते हैं, ठीक है। आप मुकम्मल अल्फाबेट इसमें ले सकते हैं। और हमारे पास इन्हीं अगर अल्फाबेट्स की बात करें, तो हमारे पास कंप्यूटर में कोड्स होते हैं, आस्की कोड, आस्की सेवन, आस्की एट, यूनिकोड। तो आस्की के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने जो बात करनी है, हमने नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की बात करनी है कि हम कैसे नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। अच्छा, जो ज़रूरी बात है, सबसे जो हम सब लोगों को मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स के ना आसान सी अगर बात करें, हमारे पास दो रूल हैं। पहला रूल है एनी बेस टू डेसिमल, यानी कि यहाँ पर कोई भी बेस हो और आपने जाना है टेन की बेस में, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टू हो, फोर हो, एट हो, सिक्स हो, सेवन हो, ट्वेल्व हो, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो और आपने शिफ्ट करना है इनटू टेन, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल हमारे पास क्या है? डेसिमल टू एनी बेस। सपोज यहाँ पर डेसिमल है
और आपने जाना किसी भी बेस में है। अब वो किसी भी बेस क्या हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी पहली बात क्या है, एनी बेस टू डेसिमल के लिए मल्टीप्लीकेशन है, और डेसिमल टू एनी बेस के लिए हमारे पास क्या है, डिवीजन का मेथड है। हम इनको अभी डिस्कस करते हैं, तो यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने बात की है नंबर सिस्टम की, हमने बात की है हमारे पास कितने नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल है। फिर दो रूल्स बताए हैं आपको, एनी बेस टू डेसिमल मल्टीप्लीकेशन है, और डेसिमल टू एनी बेस डिवीजन है। अच्छा मैं स्टार्ट लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास, यानी कि सपोज कर लेता हूं मैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है 10101, ये बेस है 2। अच्छा दूसरी बात जो जरूरी है वो ये कि ये बेस है 2, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी नंबर अपनी बेस से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं और यहाँ पर 2 बेस हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मौजूद हर नंबर अपनी बेस से कम होगा, और इसको लेके जाना है हमने किसमें, डेसिमल के अंदर, क्लियर है। अच्छा अब डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा और आपने ना इस तरह से जाना है बेसिकली, और हर नंबर को 2 से, यानी कि जो भी इधर नंबर होगा उसको अपने अपनी बेस से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। अच्छा जी यहाँ पर 0 1 2 3 4, अब आप इनको नंबर्स दे देंगे, यानी कि इस ये जो बेस है इसके ऊपर 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स ऑन होंगे, जब भी किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या है, 1 1 प्लस 2 की पावर 1 से क्या हुआ, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 की पावर 2 से क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 की पावर 3 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 की पावर 4 2 4 8 16, 16 आया, 16 प्लस 4 20 20 प्लस 1 21, और हमारे पास हमने जब ये नंबर शिफ्ट किया फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, हमारे पास ये रिजल्ट क्या आया, 21। यानी कि ये बहुत आसान है, अगर आप देखें हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसकी बेस से, और उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पावर इस तरह लगानी है, 0 से स्टार्ट करनी है, क्यों, क्योंकि इन कंप्यूटर कंप्यूटर में हमारे पास हर नंबर, कंप्यूटर में हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है बच्चे। अभी आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे अभी जो हमने किया है वो हमने बाइनरी टू डेसिमल किया है, अब यही चीज मैं ऑक्टल टू डेसिमल लेके जाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन है 6 4 और 5, इसकी बेस क्या है, 8, और इसको शिफ्ट करना है इनटू डेसिमल, डेसिमल में शिफ्ट करना है हमने। अच्छा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब 8 के पावर्स देते हैं 0 1 2, 8 की पावर 0 है तो इसका मतलब ये 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 8 की पावर 1 है, 8 1 और 4 32। अच्छा 8 की पावर 2, 8 8 को जरा जरब देना आप, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास क्या आएगा, 384। 384 में आप ऐड कर दें 32, हमारे पास क्या हुआ, 416 प्लस 5, इसमें ऐड करो 421, ये 10 में चला गया, ठीक है। तो 8 8 की पावर 2 से क्या होता है, 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या होगा, 846, 846, क्लियर है। 8 4 8 4 8 सॉरी 384, 384 में 32 ऐड किया
32 में 5 ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 421। अच्छा अब इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ए बी सी बेस क्या है, ये 16 की है और लेके जाना है इसको डेसिमल में। देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि 9 0 से लेके 9 तक तो हम चल सकते हैं, ठीक है 0 से लेके 9 तक हम इजिली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 के बाद जब 10 आएगा 10 टू डिजिट्स होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 बेसिकली टू डिजिट्स हैं, 1 अलग है 0 अलग है, तो इसलिए हम 10 को क्या लिखते हैं ए। अच्छा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ए क्या है आपके पास 10 है, बी क्या है आपके पास 11 है, सी क्या है आपके पास 12 है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर ए बी नहीं लिखेंगे, ठीक है हम यहाँ पर वही उनके नंबर्स लिखेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ये चीज आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है सी होगा तो 12, बी होगा तो 11 और ए होगा तो 10। अब इनकी पावर्स दे दें 0 1 2, 16 की पावर क्या 0 होगी तो ये 1 होगा, 2 12 आ गया। 16 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 11 से, 16 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास आएगा 176 प्लस 16 की पावर अगर हो आपके पास 16, यानी कि 16 की पावर अगर आपके पास 2 है तो आपके पास क्या आएगा 16 को जरा जरब दें आप। मुझे ना ये अलग से कैलकुलेटर भी अपने पास रखा हुआ है मैंने, 256 2560, 16 की पावर 16 यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास हुआ 16 की पावर 2 से क्या आया 256 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से 2560, 2560 में अब हम ऐड करेंगे 0 प्लस 176 और +12 हमारे पास आया 2748 और ये हमारे पास क्या हो गया 10। अच्छा जी अब आपने देखा हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इंडिविजुअल्स अगर नंबर को देखा जाए 4 10 से बड़ा नहीं है, 2 10 से बड़ा नहीं है, 2 10 से बड़ा नहीं, 7 10 से बड़ा नहीं, 4 10 से बड़ा नहीं, 8 10 से बड़ा नहीं, तो हमें एक रूल हमें समझ आ गया वो ये कि अगर आप एनी बेस टू डेसिमल जाएंगे, यानी कि यहां पर 2 भी हो सकता है, यहां पर 8 भी हो सकता है, यहां पर 16 भी हो सकता है, अगर आप 10 में जाएंगे तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे फ्रॉम बेस, मैं बात कर रहा था फ्रॉम बेस, इसी बेस से हम क्या करेंगे किस बेस से इस बेस से, यानी कि जैसे अभी अपने पीछे दिखे हैं या हमने 8 वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला 8 वाला क्वेश्चन, इसी तरह 8 की बेस से मल्टीप्लाई किया शिफ्ट कर दिया इंटू 10, हमने 16 में ए बी सी को किया इसी तरह। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो ये है डेसिमल टू एनी बेस, यानी कि यहां पर सपोज मेरे पास 10 है और यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो हमने डेसिमल से किसी और बेस में जाना है, तो किसी और बेस में जाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो बच्चे ऐसा है कि सपोज कर लेता हूं मेरे पास क्वेश्चन है 2 5, बेस इसकी क्या है 10 और इसको लेके किस में जाना है हमने 2 में, तो हम क्या करेंगे हम डिवीजन को एलसीएम के मेथड को यूज करेंगे, 25 यहां पर आ गया और 2 इस बेस से हम क्या करेंगे डिवाइड, 2 1 2 और 2 2 का 4, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 1 1 यहां पर आ गया, 2 6 द 12, रिमेनिंग क्या बचा 0, 2 3 द 6,
रिमेनिंग क्या बचा? जीरो। इसी तरह टू वन जा टू, रिमेनिंग क्या बचा? वन। अब आपने क्या करना है, यूं इस तरह से नंबर्स को लिख देना है। तो अगर आपके पास 25 हो 10 की बेस में, और अगर आप उसे शिफ्ट करेंगे इनटू बाइनरी, तो वो 11001 होगा। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया, अगर हम डेसिमल से किसी भी बेस में जाएंगे तो हम एलसीएम के मेथड को यूज करेंगे। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ यहीं पर। मैं क्वेश्चन करता हूँ 6 5 4, ये मेरे पास 10 में है, इसको लेके मुझे कहाँ जाना है? 8 में जाना है। 6 5 4 8, 8 को मल्टीप्लाई करें आप, 8 5 द 40, 8 6 द 48, 8 7 द 8, 8 द 64, 8 और यहाँ पर 1 आ गया। यानी कि 8 8 को मल्टी, अगर 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो 64 आएगा, तो 1 रिमेनिंग करके आगे तो कर देंगे। अब जब 1 रिमेनिंग करेंगे आगे तो ये बन गया 14। 8 1 जा 8 और रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? 6। अच्छा, और दूसरी बात ये बचे, जो रिमेनिंग बचता है वो भी बेस से बड़ा नहीं होगा। यानी कि कोई भी नंबर आपका बेस से बड़ा नहीं हो सकता। 8 1 जा 8, अब 1 तो छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं इसकी जगह 0 लगा दूंगा और 1 को आगे शिफ्ट कर दूंगा। इसी तरह 8 1 जा 8 और 2, अब ये 1 तो डिवाइड हो नहीं सकेगा, तो हमारे पास 6 5 4, जो कि हमारे पास ऑक्टल में है, और अगर वो बाइनरी में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, जो हमारे पास किस में है? डेसिमल में है, अगर ऑक्टल में जाएगा तो 1 2 1 6। क्लियर है बच्चे? तो यानी कि हमने 8 5 4 जो डेसिमल में था उसे शिफ्ट किया इनटू ऑक्टल, तो 1 2 1 6 आया हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ऑक्टल के साथ भी कर लिया शिफ्ट, अब हम क्या करेंगे? ए बी सी। अच्छा, ए किसे कहते हैं? 10 को कहते हैं। बी किसे कहते हैं? 12 को कहते हैं। सी किसे कहते हैं? सॉरी, बी 11 को कहते हैं, सी 12 को कहते हैं। अब बात यह है कि मेरे पास नंबर है 4 5 6, ये है मेरे पास 10 में, इसको शिफ्ट करना है मुझे 16 में। क्लियर है? ये मुझे 16 में शिफ्ट करना है। अच्छा जी, 4 5 6, गौर से देखिएगा, 16 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 3 से, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 48। ऐसे ही है ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। तो 16 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आएगा 32। 32 में से आप 45, 45 में से आप 32 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 3 1 13 बचेगा। 13 यहाँ पर कैरी करेंगे आप, मुकम्मल का मुकम्मल 13 ही कैरी करना है आपने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 16 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 8 से, मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं उसके साथ कर रहा हूँ अलग से। 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो मेरे पास 128 आएगा। 128 आया तो मेरे पास 136 में से 128 माइनस कर दें अगर आप, तो आपके पास क्या बचेगा? देखना, अगर हम 16 में से, सॉरी 136 में से 8 को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग भी 8 ही बचेगा। ठीक है? अच्छा, अब 16 1 द 16, अब रिमेनिंग क्या बचेगा? 4 और 8 12। यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 12 8 आ रहा है। तो आप अगर अगर सपोज करें 1 12 8 लिखेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो जब हमारे पास 12 आ रहा है तो सी को क्या कहते हैं हम? ये वाला सी हमारे पास क्या है? 12 है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 456 का, जो 10 में है, वो आएगा 1 C 8।
कोई इशू यहाँ तक आप सबको? क्लियर है ना? आसान है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो हमने अब दो रूल सीख लिए हैं। अभी एक रूल जो हमने अब जिस रूल को हमने अब देखा है वो डेसिमल टू एनी बेस है, यानी कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर आपके पास डेसिमल टू एनी बेस होगा तो आप क्या यूज करोगे? एलसीएम का मेथड, या हम डिवीजन के मेथड को यूज करके रिमाइंडर कलेक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला रूल भी समझ आ गया होगा। हमने ये वाला रूल किया डेसिमल टू एनी बेस वाला, हमने देखा है एनी बेस टू डेसिमल, कि किसी भी बेस से अगर आपने डेसिमल में जाना हो तो ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और एक छोटी सी साथ ही असाइनमेंट भी आपको दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास एक और रूल भी है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। 101101, ये 2 में है, इसको 10 में लेके जाना है। अच्छा, 345, ये 10 में है, इसको आपने लेके जाना है 8 में। और आपके पास है बैट, ये 16 में है, इसको आपने लेके आना है 10 में। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपकी असाइनमेंट साथ ही। क्लियर है बच्चे? अल्लाह हाफिज़। बाकी लेक्चर, बाकी जो मटेरियल है वो अगली वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।